दिल्ली के अंदर प्रदूषण की जो हालात हैं उसको लेकर के अभी सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों के साथ अभी हमने समीक्षा बैठक की। आज जो निर्णय लिया गया उस निर्णय के अनुसार दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन डिमोल्यूशन का जो कार्य है वो फर्दर ऑर्डर तक बैन रहेगा। साथ ही साथ जो मजदूर हैं, वर्कर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर, उन लोगों को सरकार की तरफ से 5,000 रुपये देने का काम शुरू किया जा रहा है। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो ट्रक जो सामान लेकर के दिल्ली के अंदर आते हैं उन ट्रकों की एंट्री 7 दिसंबर तक के लिए बैन की जा रही है। अगला जो निर्णय हमने आज लिया है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का तीसरा चरण 15 दिन के लिए और हम बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के अंदर आज से स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट खुल गए हैं। साथ ही साथ हमने जो सरकारी दफ्तर में वर्क फ्रॉम होम था उसकी जगह सरकारी दफ्तर को अब ओपन कर दिया गया है। लेकिन जैसा हमने पहले घोषित किया था कि हम उन मेजर्स कॉलोनियों में जहां पर कर्मचारी ज़्यादा संख्या में रहते हैं वहां से स्पेशल बस सर्विस हम शुरू करेंगे। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर जो ओपन बर्निंग के खिलाफ हमने अभियान शुरू किया था वो दिल्ली के अंदर जारी रहेगा। PWD सभी MCDs फायर ब्रिगेड के द्वारा वाटर स्प्रिंकलिंग का जो अभियान है वो कंटिन्यूस जारी रहेगा। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण पैदा करने वाली गाड़ियां हैं जिनका PUC सर्टिफिकेट नहीं है, PSC चेकिंग का जो अभियान है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस मिलकर के उसे जारी रखेंगे। कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि कंस्ट्रक्शन बंद है लेकिन कोई चोरी छुपे वायलेट करते हुए कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो आप ग्रीन दिल्ली ऐप पर आप उसका फोटो खींच करके हमें भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर ट्रकों की एंट्री हो रही है तो आप हमें ग्रीन दिल्ली ऐप पर इसकी सूचना दे सकते हैं। कहीं पर अगर आपको लगता है कि कोई आग जला रहा है उसकी भी आप सूचना हमें ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से दे सकते हैं, जिसके आधार पर हम और एक्शन को बढ़ा सकते हैं।